हेलो। हाँ, एक दो तीन तीन ना एकदम गर्मा गर्म उबलती हुई लस्सी भेजना। मुझे पता है लस्सी ठंडी होती है, लेकिन वो जब मैंने पीनी होती है तब मंगाती हूँ ठंडी लस्सी। अभी किसी के मुंह पे मारनी है इसीलिए गर्मा गर्म। ए हट। नहीं नहीं आपको हाय का, इसको कहा हट। श्रुति, नेहा तेरी दोस्त है तो तू कुछ भी करेगी, कंधे पे हाथ रख रही थी। ऐसा क्यों करती है तू, 10 साल छोटी है उनसे तो। हाँ, ये 60 साल की हो गई है। बस वो समझ गई। बड़ा प्यारियां लगती हैं यार, दोनों ना सीनियर सिटीजन मिलते हैं ना, बड़ी प्यारियां लगती हैं। वैसे मैं हूँ चैनल हेड, और आप सबको पता है कि एमटीवी में ना मैंने ही इनको रोडीज के लिए अपॉइंट किया था, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में। क्योंकि रोडीज में पहले रघु राजीव थे, वो जब किसी कंटेस्टेंट को आउट करते थे तो कंटेस्टेंट कहते थे ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी, और बाहर जाके गाली दे, हट टकला साला। लेकिन ना इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनके मुंह पे गाली देते हैं। से कौन डरे। मैं ना सोच रही हूँ कि इन सबको ना मैं इंटरनेट पे भेज दूँ, क्योंकि आजकल सब बेकार चीजें वहीं पे बिक रही है। चलिए नेहा का डालती हूँ। नेहा धुपिया फॉर सेल विंटेज हसीना। रेट 1.40। बुरा लग रहा है, हमको भी बहुत बुरा लगा था जब आपकी फिल्म देखी थी ना 1.40 की लास्ट लोकल। उसी नहीं नहीं लास्ट लोकल ही था, लास्ट लोकल था, जिन्होंने फिल्म देखी ना सारी लाशों को उस लोकल में ले गए। करण कुंद्रा कड़क और अनयूज्ड माल। ना ज्यादा काम किया है ना किसी ने दिया है। शक्ल से कुछ नहीं होता भाई, काम भी आना चाहिए। नहीं, मैं लिख नहीं रही है, किसी ने कमेंट कर दिया। प्रिंस नरूला सिर्फ 3 महीने यूज्ड, वो भी बिग बॉस में। बिग बॉस से निकलने के बाद कुछ नहीं किया, लेकिन रोडीज में वापस जाके उन्होंने साबित कर दिया है कि आगे भी कुछ नहीं करेंगे। सबका मैंने लिंक सेंड कर दिया है, अब देखना धपा धप लोग कमेंट करेंगे यार। हेलो मैडम 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 ओ मैडम मैडम सर, एक्चुअली रणविजय थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन उनके बारे में बता देती हूँ, बंदा बड़ा सही है। आपको पता है शेर के पिंजरे में जाके ना खाना शेर के मुंह तक रख के आता है। 3-4 बार किया मैंने, एक दिन शेर को पूछ ही लिया, मैं कहा भाई तू रणविजय को क्यों नहीं खाता, कहता हेलो अपना भी टेस्ट है कोई। देखिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज है तो बताइए। ये है ना करण, ले लीजिए, इनको भी फंगस ही लग रही है बैठे बैठे। मुझे करण कुंद्रा नहीं चाहिए यार। फाइन प्रिंस, अरे 3 महीने बस बंदे ने काम किया, एकदम पेटी पैक है। तुम्हें पता है बच्चों का कितना फेवरेट है, बच्चे खुश होते हैं कब प्रिंस टीवी पे आए, पापा टीवी तोड़े और नया टीवी आए। बिग बॉस जीता उसने, बिग बॉस, बिग बॉस जीता है वो तो है। बिग बॉस में ऐसा बोतल का पानी पीते थे, इधर चौल में बाल्टी लाइन में लग के कैसा लग रहा है। इधर चौल में एक बात तो है, तेरे को पता है कल इसने ना अपने पापा को पूछा क्या कि पापा मैं शो जीता हूँ, मुझे कुछ महंगी चीज ला के दो। पापा ने शीशा ला के दिया। है शीशा क्यों? पापा ने कहा देख शीशे में देख, तू खुद बता तेरा बनता है।